आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ नारियल पानी से और मैं पी रही हूँ दिसानो ब्रांड का नारियल पानी टेंडा कोकोनट वाटर। इसे तो ट्रैवल करते समय भी साथ में कैरी किया जा सकता है। बाय द वे नारियल पानी तो मैं पी ही रही हूँ, साथ में आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी चीज़ जो कि है सैलेड। आज बनेगा स्प्राउटेड मटकी यानी मोट का सैलेड। गुड मॉर्निंग, हेलो, लुक, क्या बना रहे हो? मैं स्प्राउटेड मटकी और लेटस को मिलाकर सैलेड बना रही हूँ, तो सारी की सारी मटकी पकाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कच्ची मटकी भी यूज कर सकते हैं, पर थोड़ी सी स्टीम की हुई या फिर उबली हुई मटकी सैलेड में काफी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। और उबालते समय इसमें केवल आप नमक और थोड़ी सी हल्दी डालें। मीडियम या मीडियम से हाई फ्लेम पर केवल एक सीटी, लो फ्लेम पर भी नहीं, इससे ज़्यादा सीटी नहीं, वरना ये जो मोट है काफ़ी गल जाते हैं। यह है आइसबर्ग लेटस, जो थोड़े कम प्राइस में ऑफर में मिल गया था तब मैंने लिया। तो मैं क्या करती हूँ, ध्यान रखती हूँ कब ज़रा प्राइस कम हो रही है और उस टाइम पे ही मैं सैलेड प्लान करती हूँ। सबसे पहले मैं इसके सारे ख़राब पत्ते निकाल रही हूँ। वॉश करना है। डू यू नो व्हाट इज दिस? हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज लेटस। मम्मा, ये लेटस नहीं है। फिर क्या है? कैबेज है वो। नहीं बेटा, इट लुक्स लाइक कैबेज बट इट्स डिफरेंट। हेलो, गुड मॉर्निंग। मटकी एकदम परफेक्ट उबली है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा गली नहीं है। ये ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। लेटस काफ़ी अच्छा और रिफ्रेशिंग लगता है, फिर वो बर्गर में हो, सैलेड्स में हो या फिर सैंडविचेस में। सैलेड ड्रेसिंग के लिए आप कोई भी जार ले लें, ग्लास का होगा तो बेटर। आप प्लास्टिक में भी बना सकते हैं, पर बाद में प्लास्टिक को धोना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल और उसमें एक छोटे साइज़ का नींबू, मतलब नींबू का रस। फिर डालें शहद, बारीक कटा हुआ गार्लिक या फिर आप गार्लिक का पेस्ट डाल सकते हैं। टेस्ट के लिए चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी पिज़्ज़ा या पास्ता की सीजनिंग, क्योंकि अगर बहुत ही बेसिक रखे तो जो इंडियन टेस्ट पैलेट है उसके लिए सैलेड अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा तो चटपटापन चाहिए। और आखिर में नमक, बस इसे अच्छे से आप ढक्कन लगाकर शेक कर लें और ये सैलेड ड्रेसिंग रेडी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मेयो भी डाल सकते हैं, कभी कभार मैं वो डालती हूँ। राहिन्य को ऐसे ही उबली हुई मटकी पसंद है या फिर मटकी का सूप, तो ये उसके लिए है। जो भी मैं इन रेसिपीज़ में यूज़ कर रही हूँ, इन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सैलेड यानी लेटस के पत्तों के ऊपर मटकी अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये जो सैलेड ड्रेसिंग है, इसे एक बार फिर से शेक कर ले और सैलेड पर डाल ले। अब इसके बाद आप चाहें तो चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, पर हाथ से बहुत आसानी से और जल्दी ये सैलेड मिक्स हो जाता है। बस इसे मिक्स करें और इमीडिएटली सर्व करें। बना दिया। आज है संडे और मैं बना रही हूँ इडली सांबर चटनी। गुड मॉर्निंग। ऐसे कौन बोलता है गुड मॉर्निंग? यहाँ पर है मेरे पास तुअर दाल, जो मैंने थोड़ी सी हल्दी डालकर पकाई हुई है। तो मेजरिंग कप के आधे कप के अराउंड ये होगी, यानी छोटी कटोरी।
और इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप प्याज, तो पकी हुई है पर फिर से इसे मैं चढ़ाने वाली हूँ गैस पर ड्रम स्टिक्स डालकर। शुरुआत में ही ड्रम स्टिक्स डाल दो तो ड्रम स्टिक ज़्यादा ही गल जाती है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि सेकेंड टाइम वापस से कुकर लगा लें। साथ में नमक और थोड़े से साबुत छोटे वाले प्याज या फिर सांभर वाले प्याज, शैलट्स, वो डाल लें। अब इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ड्रम स्टिक बिल्कुल सही पकेगी और साथ में दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब टमाटर चॉप करके रेडी कर लेते हैं। नारियल की चटनी के लिए यहाँ पर मेरे पास है फ्रेश नारियल। वैसे मैं इस नारियल को एकदम बारीक चॉप करके फ्रीज़र में अपने एक बैग में रखती हूँ ताकि कभी भी ये वाली चटनी बन सके, पर आज ऑलरेडी तैयार है घर में फ्रेश, तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी। आप चाहें तो जो ऊपर की ब्राउन स्किन है नारियल की वो निकाल सकते हैं, चटनी और भी वाइट बनेगी, जैसा आपके पास टाइम हो और रिसोर्सेस हो। तो दो लहसुन की कलियाँ और ये रोस्टेड चना दाल या फिर थोड़ी सी आप मूंगफली डाल सकते हैं भुनी हुई, हरी मिर्च टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा पानी और नमक, बस ये सब डाल के इसे ब्लेंड कर लेना है अच्छे से और उसके बाद लगाएंगे इस पर तड़का। बड़ा हो गया? नहीं। आप क्या बना रहे हो? You tell me. No, बेटा। Press it. तेल एकदम गरम है तो मैंने यहाँ पर ही कड़छी पकड़ ली है, इसमें जाएगी थोड़ी सी राई और साथ में कड़ी पत्ता। बस यही है हमारा बेसिक तड़का और आप चाहें तो छोटी सी सूखी लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। अब बनाते हैं एक महंगी चटनी यानी टमाटर की चटनी। यहाँ पर कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, इसमें जाएगी उड़द दाल, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और टमाटर। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसे ठंडा होने देते हैं। सांभर को तड़का लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी अगारो स्टेनलेस स्टील ट्राईप्लाई कढ़ाई। तो ट्राईप्लाई है, काफ़ी अच्छे से इसमें खाना बन जाता है, चिपकता नहीं है और बनने के बाद आप खाना इसमें रहने दे सकते हैं। तो गर्मा गर्म तेल में गई राई और थोड़ी सी हींग, लहसुन अदरक का पेस्ट ड्राई हो गया है, टमाटर गल गए हैं ऑलमोस्ट, अब जाएगी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। सांभर मसाला मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ जो हम बाद में डालेंगे। अच्छा कलर आने के लिए आप थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च और थोड़ी सी आप कश्मीरी या ब्याड़की लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं, कड़ी पत्ता थोड़ा सा टेस्ट के लिए। फाइनली थोड़ा सा सांभर मसाला, ये रेडीमेड है, मैं एवरेस्ट ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। बाय द वे कैमरे का बटन ऑन करना गलती से रह गया, मैंने इसमें ऑलरेडी इमली का पल्प डाला है खटास के लिए, तो उसके बिना तो सांभर अधूरा है, वो ज़रूर डालें। आप चाहें तो मिठास के लिए थोड़ा बैलेंस करने के लिए गुड़ या चीनी डाल सकते हैं, पर वो मैंने नहीं डाली है। ये इडली का बैटर जिसमें डाल रही हूँ मैं नमक,
अच्छे से नमक मिला के बस इसे हम स्टीम करेंगे तो बड़ी यानी नॉर्मल साइज की इडली हमारे लिए और मिनी इडली रहने के लिए। बड़ी इडली को स्टीम करने में 10 से 12 मिनट लगते हैं लेकिन छोटी इडली केवल 5 मिनट में स्टीम हो जाती है। अरे मुझे इडली बनाना। नहीं बेटा अभी मुझे टाइम नहीं लग रहा था, तुम बाद में बनाना ठीक है, तुम बनाना बाद में। टमाटर की चटनी का मिक्सचर ठंडा हो गया है, बस इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल के मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। अब आप चाहे तो इस चटनी को ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप इस पर तड़का लगा लें। अब इतनी सारी चीज़ें और टाइम में मैं इस पर तड़का फिलहाल नहीं लगा लूँ, देख रही हूँ बाद में सर्व करने से पहले शायद लगा लूँ। ये चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। यह है मिनी इडली की प्लेट राहिन्ने के लिए। चटनी खाने में वो आनाकानी करता है, फिर वो भले ही कोकोनट की हो, फीकी हो, आई डोंट नो कब वो दिन आएगा जब वो इतनी टेस्टी चटनी को भी खाना पसंद करेगा। खैर इडली वो पसंद करता है। गर्मा गर्म इडली, गर्मा गर्म सांबर और साथ में दो प्रकार की चटनी, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। इडली डोसा ये जो भी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है ये तो मैं रोज खा सकती हूँ, मुझे इतने पसंद है। आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे इसे शूट करने में आया। तो मिलते हैं अगले एक व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।